ये भारत की धरती, यहाँ पर बड़े बड़े वीर भी हो चुके हैं, बड़े बड़े कवि भी हुए हैं और बड़े बड़े साधु संत भी हुए हैं, फकीर भी हुए हैं। और भारत की पुण्य धरती पर बहुत बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी हुए हैं। और इस भारत की धरती पर याद रखना, राम और कृष्ण जैसे अवतार भी हुए हैं, बुद्ध और महावीर भगवान जैसे अवतार हुए हैं, कबीर जैसे सदगुरु ने भी अवतार लिया है, तुलसीदास जैसे महाकवि मानस के रचयिता इस भारत की धरती पर उत्तर प्रदेश में जिनका अवतार हुआ था, बांदा जिले में राजापुर गांव में, और यहाँ पर मैनपुरी में भी बहुत से ऋषि मुनियों की स्थली है। मुझे लिस्ट नहीं मिली, इन्हें मैं अवगत कराता, कल मिल जाएगी तो बताऊंगा मैं। यहाँ च्यवन ऋषि हुई है जिनका तुम च्यवन प्रास खाते हो। इस भारत देश में कितने तपस्वी महात्मा भी हो चुके हैं। ये भारत की धरती, इसको ऋषि मुनियों की भी धरती कहते हैं, कवियों की धरती भी कहते हैं, और इस धरती को वीरों की धरती भी कहते हैं, जहाँ पर महाराणा प्रताप जैसे वीर, शिवाजी जैसे वीर, और याद रखना महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना, दुर्गावती जैसी वीर माता का जन्म हुआ है। ऐसी धरती का नाम ही भारत धरती है। इसलिए इस भारत देश की धरती को हम भारत माता भी कहते हैं। भारत माता बड़ा प्यारा नाम है। विश्व में बहुत से देश हैं, लेकिन किसी देशवासियों ने अपने देश को माता की संज्ञा नहीं दिया है। भारत देश का उदार हृदय, भारतवासियों के दिल में अपने देश के प्रति जो आस्था है, वो इससे दर्शाती है कि इन्होंने अपने देश को भी माता माना, और गाय का दूध पी करके गाय को भी माता माना, और जन्म देने वाली माँ को भी माता माना, और जिस धरती पर ये रहते हैं उस धरती को भी माता माना। ये धन्य है भारत के वासी जिन्होंने कितनों को माता माना। लेकिन मुझे कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि गौ को माता मानते हैं लेकिन भैंस को कुछ भी नहीं मानते। भैंस के साथ भी कुछ रिश्ता जोड़िए। अगर गाय तुम्हारी माता है तो भैंस कौन है तुम्हारी? फिर भैंस तुम्हारी नानी है क्योंकि उससे थोड़ा बड़ी है। फिर बकरी से भी रिश्ता जोड़िए, बकरी कौन है आपकी? बकरी तुम्हारी सिस्टर है, उसको सिस्टर मान लीजिए। तो ये मुर्गी वुर्गी कौन है? ये सब मुर्गी मुर्गा पोती पोता है, इनको भी मान लीजिए। और सबसे रिश्ता जोड़ लोगे तो फिर मांस नहीं खा पाओगे, मछली नहीं खा पाओगे। और बड़ी मजे की बात है, हिंदू भाई कहते हैं कि कण कण में राम है, और मुस्लिम भाई कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। बड़ा अच्छा शब्द है, कण कण में राम। वो कण कण में राम है तो क्या बकरा और मुर्गा, अंडा और मछली में राम नहीं? उसमें भी तो बहुत बड़ा राम है। और जब उसमें भी राम है तो जब बकरे को काट कर खाओगे तो राम कट जाएगा, उसको पकाओगे तो राम उबल जाएगा, और मुंह में चबाओगे राम चबा जाएगा। तो इसलिए उसे नहीं खा सकते हो, आपको दया करना पड़ेगा। और जर्रे जर्रे में खुदा है तो क्या बकरा मुर्गा भैंसा गाय में खुदा नहीं है? वो खुदा से जुदा नहीं है, उसमें भी बहुत बड़ा खुदा है और उसमें भी खुदा है, तो उनको मार कर कैसे खा सकते हो? इसलिए कहते हैं रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है, और रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। मंदिर टूटे मस्जिद टूटे कोई नहीं मोजा का है, पर कहो का दिल मत टूटे ये घर खास खुदा का है, ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, और दिल दरगाह में झलक रहा है, कैसी नूर खुदाई है, कैसी नूर खुदाई है। आपके दिल को दरगाह कहा गया है, और मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा रैदास गुरु ने कहा है। रैदास गुरु को मीराबाई ने अपना गुरु किया था। मीराबाई छत्राणी परिवार से थी, मेड़ता सिटी में मेवाड़ में मीरा का घर है, मैं उसको देखने गया था, सब देख कर आया हूं। और याद रखना मीराबाई की भक्ति ने महल में रहने वाली समस्त माताओं बहनों को संदेश दिया है कि महल में रहना तो मीरा बनकर रहना,
और झोपड़ी में रहना तो शिवरी बनकर रहना, और पिता का विरोध हो तो प्रहलाद बनकर भक्ति करना, अगर घर में कोई ज़्यादा असमंजस है तो ध्रुव बन करके भक्ति करना। याद रखना हर परिस्थिति, अगर भाई ने लात मार दिया हो तो विभीषण बन करके राम की शरण में चले जाना, और किसी प्रकार से भी भक्ति करना, भक्ति का फल तुमको मुक्ति मिलेगा। रामायण कहती है कि भक्ति स्वतंत्र है, कोई भी भक्ति को कर सकता है, गरीब भी अमीर भी, बच्चा भी बूढ़ा भी। कितने घरों में लोग कहते हैं कि जो बेटियां हैं इनको गुरु मंत्र लेना नहीं चाहिए। तो मैंने पूछा क्यों नहीं लेना चाहिए, बोले ये किसी घर में जाएंगी, घर में जाएंगी तो वहाँ भक्ति करेंगी और क्या करेंगी, बोले वहाँ न जाने कैसा सास ससुर मिले। तो हमने कहा थोड़े दिन बाद ये खुद ही सास ससुर बन जाएंगी, जो मिलेगा वो तो रिटायर हो जाएगा सास ससुर, ये खुद ही सास ससुर की डिग्री पा जाएंगे, बस 20 साल इंतजार करना पड़ेगा, बनने दो इनको भगत। बोले अरे पति वती न जाने कैसा मिले। हमने कहा जब ये भक्ति करेगी पुण्य करेगी तो इसको पति भी, जब ये सीता बन जाएगी तो राम जैसा पति इसको ढूंढने के लिए जनकपुर आएगा। इसलिए बेटियों को भी भक्ति करना चाहिए, गुरु मंत्र लेना चाहिए। कितने लोग कहते हैं अभी लड़कों को गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए, शादी हो जाए तब गुरु मंत्र लेना चाहिए। तो मैंने कहा शादी होने से पहले ले ले तो क्या फर्क। अरे बोले न जाने इसको कैसी पत्नी मिले, चुड़ैल मिल जाए तो क्या होगा। कितने घरों में चुड़ैल बहू बनकर आई है, चुड़ैल आ गई, पूरा घर हैरान है, सब सोच रहे थे कि बहू आ रही है, बहू के बजाय कुहू कुहू आ रही है, सारा कोहराम मचा दिया। और कितने घरों में तो बहू और बेटा दोनों एक ही मॉडल है, अगर बहू चुड़ैल है तो बेटा भूत प्रेत है, दोनों 8 बजे तक सोते हैं सुबह, माँ बाप इंतजार करते रहते हैं कब जागेंगे ये, दोनों कंपटीशन पर सो रहे हैं, पति कुंभकर्ण का अवतार है, अब पत्नी जो है कुंभकर्णिन बनी पड़ी, उनको जगाने की भी हिम्मत नहीं है। अगर माँ बाप जगा दें, सास ससुर जगा दें तो दोनों नाग नागिन की तरह फुफकारते, एक दिन जगाया है बस सबक दे दिया कि ये आज के बाद ऐसी गलती मत करना। मैं निवेदन करूंगा जितना सोने की आदत को बिगाड़ोगे, आपका ये शरीर 16-16 घंटे भी सो सकता है, 18-18 घंटे भी सो सकता है। हमारे साथ में एक महात्मा कह रहा था, मैंने सोकर भी देखा है, बहुत सोया हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमने कहा अब, बोले अब जाग कर भी देख रहा हूँ कुछ फायदा हो रहा। 8 घंटे से ज़्यादा सोने वाले लोग अपनी जिंदगी के स्वर्णिम समय को बिगाड़ रहे हैं, और 6 घंटे से भी कम सोने वाले लोग अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, और 7 घंटे वाले लोग जो 7 घंटे सोते हैं वह स्वास्थ्य भी बना रहे हैं और जिंदगी को भी बना रहे हैं और देश के हित में अधिक घंटों तक काम भी कर रहे हैं। इसलिए 7 घंटे सबसे ठीक। कुछ लोग कहते हैं हम 4 घंटे ही सोते हैं, तो मेरी समझ में तो नहीं आता है, 4 घंटे में तो सिर दर्द होने लग जाएगा, और 4 घंटे हर समय जागने से भी क्या तुम करना चाहते हो ये तो बताओ। बहुत ज़्यादा जाग करके भी तुम सोचो कि बहुत कोई उपलब्धि कर लूँगा, उससे उपलब्धि कुछ नहीं होगी। पूरी तुम्हारी बॉडी को रिलैक्स मिलना चाहिए, आराम मिलनी चाहिए, अन्यथा दिन भर सिर भारी भारी लगेगा, हाथ पांव में दर्द लगेगा, शरीर पूरा गरम गरम हरारत जैसा लगेगा, थोड़ा नींद पूरी हो जाने दो। एक बच्चे को तो 5 साल का बच्चा, उसे 10 घंटे भी सोने दो, सो लेने दो, बड़ा होगा तो खुद ही सब करेगा काम, जिसको काम करना है करेगा, नहीं करना नहीं करेगा। तुम ज़्यादा क्यों हैरान होते हो, तुम बच्चे को जन्म दे सकते हो, पालन पोषण कर सकते हो,
सिखाने की कोशिश कर सकते हो, कपड़े पहना सकते हो, उसके लिए मकान बना कर दे सकते हो, गाड़ी ला कर दे सकते हो, लाड़ी ला कर दे सकते हो, साड़ी ला कर दे सकते हो बहू के लिए, लेकिन उनके भाग्य का निर्माण तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाग्य का निर्माण तो भगवान भी नहीं करता है, भाग्य का निर्माण तो उसका कर्म करता है। इसलिए बच्चों की भी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बड़ा होगा तो सब बन जाएगा। कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं। एक शिक्षक मुझे पढ़ाता था तो उसका बच्चा भी साथ में पढ़ता था, पढ़ने में कमज़ोर था, तो एक दिन उसको गुस्सा आ गया तो अपने बेटे को गिरा करके कुर्सी के नीचे बहुत मारा कूटा। तो हमने कहा शिक्षक जी इसको व्यर्थ मारते हो, आप कहाँ पढ़ाते हो, प्राइवेट स्कूल में। मैं बचपन से थोड़ा चतुर आदमी था, मैंने कहा आपको क्या वेतन मिलता है। सन 1976 की बात, तो बोले 600 रुपये महीने मिलता है। तो हमने कहा इसको मार कूट करके 600 रुपये वाला क्यों बनाना चाहते, हो सकता है ये 60,000 महीने वाला बने, इसको ऐसे बेतहाशा क्यों मार रहे हो, दुश्मन की तरह गिरा कर। बोले मेरा बेटा है, मारने का हक है। तो हमने कहा हक वक नहीं है, आप मार कर इसे विद्वान नहीं बना सकते, इसको प्रेम से पढ़ने दो, ठीक है। मैं साधु बन गया तो वो शिक्षक जी मुझसे मिलने आए और बोले कि मेरा बेटा तो मेरे से ज्यादा होशियार है। तो हमने कहा आपने कूटा बहुत था उसको। तो बोले माफ करना, आप सही कह रहे थे, अब वो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, आपका बेटा बहुत ना पढ़ पाए तो ये मत समझना कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ नहीं है, कुछ और करने के लिए वो नहीं पढ़ाई कर पाया। और ये भी मत समझना मछली जल में तैरती है लेकिन मछली आकाश में उड़ती नहीं है, आकाश में उड़ती नहीं है। अगर उड़ने की दृष्टि से जज करो तो मछली आपको लगेगा बेकार है, लेकिन तैरने की दृष्टि से जज करो तो मछली भी अपनी जगह पर योग्य है। अलग अलग प्रतिभाएं अलग अलग कुछ करने के लिए आई हुई है, और किस उम्र में किसकी बुद्धि का विकास होगा ये भी किसी को पता नहीं है। किस उम्र में तुम कितने महान बनोगे, क्या करोगे, तुमको भी खुद पता नहीं है। जिनके परिवार में राजनीति का आवासा कोई जानता नहीं था, आज वो भी बहुत बड़ी ऊंचाई पर राजनीति में पहुंच गए। जिनके घर परिवार में कोई साधु बना ही नहीं था, प्रवचन करता ही नहीं था, उस परिवार का बच्चा साधु बन करके कितनी ऊंचाई पर पहुंच करके लाखों लोगों को संदेश देता है। और जिनके परिवार में कोई पुलिस में सर्विस नहीं किया था, उनके परिवार का बच्चा पुलिस का DGP बन करके पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की कमांड संभालता है, SI बन करके हमारे सत्संग में बैठ कर मुस्कराता है। उधर बच्चे के भाग्य में क्या है किसको पता है, इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार तो दीजिए, कोशिश कीजिए, लेकिन ज़्यादा कोटम कोटाई मत करिए और ज़्यादा उनको हैरान भी मत कीजिए, हो जाएगा सब बन जाएगा। कब किसका दिमाग खुल जाए, हमारे साथ में बचपन से 3 बच्चे आए थे साधु बनने के लिए, एक तो नवीन था, दूसरा प्रवीण था, तीसरा अनुभव दास था। तीनों पढ़ने में बड़े कमज़ोर थे और मैं खुद पढ़ाता था उनको पहले, तो मैंने देखा पढ़ा वढ़ा करके तो कुछ मामला बढ़ा नहीं आगे। तो हमने कहा अब तुम खाओ पियो सो मौज करो, झंझट छोड़ो पढ़ाई का। तो हमने उनको छोड़ दिया। तो उसमें जो नवीन है 8 साल की उम्र में आया था, ये जितना प्रबंधन आपको दिख रहा है ये सबका मैनेजमेंट वो अकेले कर लेता है। और जो प्रवीण है वो जितनी आश्रम संबंधी या कोई भी समस्याएं हो, आश्रम संबंधी विकास हो या कहीं कुछ करना हो, इधर उधर जाना हो, उसका सारा मैनेजमेंट वो करता है, आगे आगे सेटिंग करता है। और जो अनुभव है वो आश्रम का संचालन करता है, और दोनों अनपढ़ है, दस्तखत अभी तीनों नहीं कर पाते। हाँ, और तीनों बहुत बढ़िया संभालते हैं। और कुछ हमारे साथ में पढ़े लिखे भी बहुत संत हैं, ग्रेजुएट भी है, इंटरमीडिएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है,
इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी है, कंप्यूटर इंजीनियर भी है, वो भी बहुत अच्छा संभालते हैं। और कुछ ऐसे भी आए जो कि डबल पोस्ट ग्रेजुएट थे लेकिन बुद्धि सिंगल भी नहीं थी, वो जहाँ बैठते थे वहीं सो जाते थे, और सो जाए तो कोई बात नहीं, गला भी घुरघुराते थे, लगता था स्कूटर स्टार्ट कर रहे। तो उनसे मैं पूछता, मैं कुछ याद करने भी देता था, कुछ याद नहीं होता था, बोले खोपड़ी बची है, दिमाग तो खत्म हो गया, और डबल पोस्ट ग्रेजुएट है, डबल एमए करके आया, एमएससी भी किया है। ये भी याद रखना, बचपन में आपकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, कुशाग्र है, लेकिन यदि सावधानी नहीं बरतोगे, संयम नियम से नहीं रहोगे, तो जवानी में पहुंचते हुए तुम्हारी बुद्धि कुंद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसलिए बुद्धि को भी ठीक से संभालना पड़ता है। तो शाम को 10 मिनट टहलना चाहिए। अरजू मंदान सेहत याद रखें ये उसूल। गा दूं, कव्वाली है ये, गाऊं? कह दिया करो गाओ, ऐसे डांट कर मत कहा करो, प्रेम से कहा करो। अरजू मंदा नसीहत याद रखें ये उसूल, अरजू मंदा नसीहत याद रखें ये उसूल, याद रखें यही उसूल। कौन सा? 10 मिनट हर रोज टहले। कितना? 10 मिनट कम से कम, आधा घंटा तो और अच्छा है। अब रात भर टहलते रहो तो बुरा भी, कितने लोग रात भर टहलते रहते इधर उधर। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद, अरजू मंदान से। ओहो, डॉक्टर हरिंद राम राम, प्रदीप राम राम, फौजी साहब राम राम। और ये टहलने जा रहे हैं, उन्होंने कहा 10 मिनट टहले, जानते नहीं रात है कि दिन है, अभी शुरू कर दिया। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद, 10 मिनट हर रोज कव्वाली है ये, शाम को खाने के बाद, पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, की सवारी कम भरो, की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओ पर, ताली बजा कर गाइए मस्त, हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओ पर, लोड हो जाने के बाद। आप जो व्रत रहते हैं, व्रत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि नित्य व्रत रहा करो। अगर 4 रोटी खाते हो सुबह तो 2 खाइए, और शाम को 2 खाते तो 1 खाइए, और चावल यदि 100 ग्राम खाते हो 50 ग्राम खाइए, और दाल अगर 4 चमचे खाते हो 2 चमचे लीजिए, और सब्जी अगर 3 चमचे लेते तो 1.5 चमचा लीजिए, रोज अर्ध व्रत कर दीजिए, देखिए आपका स्वास्थ्य भी सुंदर बनेगा और बुद्धि भी आपकी कुशाग्र होती जाएगी। डेली व्रत। और माताओं से कहूँगा, आप तो किचन में रहती हो, खुशबू लिया करो, बहुत कम खाया करो। एक हलवाई कहता था कि मैं रोज मीठा बनाता हूँ, अब केवल खुशबू लेता हूँ, अब खाना बंद कर दिया। तुम पूरा मत बंद करना, लेकिन
आधा कर देना। इसका आप प्रयोग करके देखिए, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं, आपका शरीर भी सुंदर रहेगा। कम खाने से शरीर में सुंदरता बढ़ती है, अधिक खाने से चेहरे की सुंदरता घटती है, चमक कम हो जाती है, और चिंता करने से आपकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। टेंशन में रहने से आपका चेहरा खूबसूरती को खो देता है, और गहरी नींद न सोने से चेहरा आपका बदसूरत होने लग जाता है। गहरी नींद का सुख लीजिए, भोजन कम कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, 4-5 बार दिन भर में ठहाका मारकर हंस लीजिए, हमेशा प्रसन्न चित रहिए। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम नहीं होंगे, अफसोस बस यही है एक रोज हम नहीं होंगे, एक रोज हम नहीं होंगे। ये झमेला कम होने वाला नहीं है, कहीं ये मुकदमा, कहीं वो मुकदमा, कहीं ये एक्सीडेंट, कहीं वो प्रेसिडेंट, कहीं ये बीमारी, कहीं वो बीमारी, कहीं पत्नी रूठ गई उसको मनाओ तो, कहीं बहन रूठ गई उसको समझाओ, कहीं बहनोई मुँह फुला लिए उनको समझाओ, कहीं दामाद तुनक गया तो उसको तो बहुत ज़्यादा समझाना पड़ेगा, और कहीं तो बेटा नाराज होकर दिल्ली में बैठा है, मोबाइल उठाता ही नहीं, और कहीं तुम खुद रूठ गए, अब कौन समझाए। ये झमेले तो चलते रहते हैं। तुम सोचो सब कंप्लीट हो जाए तब खुशी मनाऊंगा, सब कंप्लीट तो किसी का होता नहीं है। भगवान श्री राम के जीवन में सब कंप्लीट नहीं हुआ, कृष्ण के जीवन में सब कंप्लीट नहीं हुआ, धृतराष्ट्र के जीवन में सब कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट ही रहता है, और अधूरे में ही अपने आनंद को प्राप्त करना चाहिए। जीवन में जितनी तुम्हारी मनोकामनाएं हैं, जितने तुम्हारे सपने हैं, जितने लक्ष्य हैं, जितने उद्देश्य हैं, वे सब कहां एक साथ पूरे हो जाते हैं, और एक उद्देश्य पूरा होता है उसके साथ में 10 उद्देश्य और निकल कर आ जाते हैं। इसलिए जितने पूरे हुए उनका आनंद लेते रहिए, और बड़े सपने भी देखिए, सपना देखना बुरा नहीं। जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं वे जिंदगी में कुछ बड़े काम भी करके दिखाते हैं। बड़ी सोच रखो। धीरू भाई अंबानी ने वाक्य कहा था, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर में वाक्य लिखा हुआ दीवार पर मैंने पढ़ा था। मेडिकल कॉलेज को विजिट कर रहा था, वहाँ के मालिक करा रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। लिखा था कि अच्छा सोचो, फिर लिखा था बड़ा सोचो, फिर लिखा था जल्दी सोचो, और फिर ये भी लिखा था सोचने पर एकाधिकार नहीं है, यदि सोचने में देर कर दिया तो कोई दूसरा जल्दी सोच लेगा तो बाद को तुम फेल हो जाओगे, इसलिए सबसे जल्दी सोचो, एडवांस सोचो। तुम्हारे क्षेत्र में 2 पेट्रोल पंप लगना है और तुम सोचे ही नहीं जल्दी, तुम्हारा नंबर ही नहीं आएगा। जल्दी सोचो, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, समय पर सोचो। बुढ़ापे में सोच रहे हो कि शादी करूंगा तो गलत समय सोच रहे हो, बुढ़ापे में सोच रहे हो कि अब पढ़ने स्कूल जाऊंगा, फालतू सोच रहे हो। समय पर सोचो। कितने लोग बुढ़ापे में सोचते साधु बनूंगा, फालतू ही है। 80 साल की उम्र में साधु बनना, अपने गुरु को भी परेशान करना है, और क्या, अब न दिखाई देता न सुनाई देता, गुरु तुम्हारी सेवा करेगा, तुम तो गुरु सेवा कर नहीं पाओ। जवानी अवस्था में साधु बनो, जो गुरु का कुछ मैनेजमेंट भी कर सको, गुरु की व्यवस्थाएं कर सको, आश्रम का विकास कर सको, धर्म की रक्षा कर सको, देश विदेश गांव गांव जा करके सत्संग भी सुना सको। 80-90 साल की उम्र में अब क्या करोगे। इसलिए अभी जिनके पास टाइम है सोचने का, सोच सकते हैं साधु कब बनना है, और साधु बनना चाहिए, लेकिन कैसे बनना चाहिए। साधु होना चाहिए पक्का होकर खेल, अब कच्चा सरसों पेड़ के खरी भैया न तेल। इसलिए कच्ची सरसों मत पेरो, मन डगमग है तो साधु मत बनो, फिर तो संसार में रहो, मन पक्का है तभी साधु बनो।
साधु बनने के बाद मन कहीं ललचाना नहीं चाहिए, धन को देख करके भी लालच ना आए, किसी के रूप सौंदर्य को देख करके भी मन फिसलना नहीं चाहिए, और किसी भी संसार के भोगों की तरफ मन आकर्षित नहीं होना चाहिए, और किसी भी सामान का भी अंदर अंदर लालच नहीं आना चाहिए। और याद रखना, साधु बनने का मतलब है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको कंट्रोल करना ही साधु बनना है, फकीर बनना है, महात्मा बनना है। और साधु बनो तो मेहनत भी करना चाहिए। कितने साधुओं को देखा जाता है, पूरे आलसी है। उनसे मैंने पूछा क्यों साधु बने, बोले आराम करने के लिए, काम करना होता तो घर ही में रहते, काम करना ही नहीं इसलिए साधु बने। तो हमने कहा भोजन कहाँ से मिलेगा, बोले आपके प्रभाव से मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो हमारे प्रभाव में हलम दलाल रहेंगे क्या? मेहनत करो, परिश्रम करो, अच्छा आश्रम बनाओ, वहां भक्त लोग आ जाए, उनके ठहरने का स्थान रहे। कुंभ मेलों में जा करके कैंप लगा करके जनता जनार्दन की सेवा करो। हरिद्वार कुंभ आने वाला है, आने वाला है कि नहीं आने वाला है? हरिद्वार कुंभ में कैंप हम लगाने वाले हैं। उज्जैन में कैंप लगाया था, 50,000 तीर्थयात्रियों को निःशुल्क भोजन और ठहरने का आवास निःशुल्क देते थे, सैकड़ों कमरे थे टीन सेट के। प्रयाग में लगाया था, यहाँ भी 80-90 कमरे थे टीन सेट के, सब निःशुल्क सेवा, रजाई गद्दे नए नए निःशुल्क सेवा, चाय निःशुल्क, भोजन निःशुल्क, 20-30 हजार लोगों को यहाँ व्यवस्था मिलती थी। अगर कोई प्रयागराज गया हो हाथ ऊँचा करे, खड़े होकर बताओ अपने कैंप में गए थे, ये होता था कि नहीं होता था? जोर से बताओ, होता था। अब भगत वहां सब सोता था कि नहीं? सोता था, ये होता था, तुम बैठो। ऐसी व्यवस्था। और हरिद्वार में 250 कमरे बनाने का इरादा है, 250 कमरे आपके लिए, मेरे लिए नहीं, ताकि रात में पानी बरसे। कुंभ में पानी जरूर बरसता है, पानी बरसे तो तुमको परेशानी ना हो, और सब कमरे निःशुल्क दिए जाएंगे सभी भक्तों को, और भगत हो ना हो तो भी दिया जाएगा। और जिसको किसी कैंप में रहने का ठिकाना ना मिले, वो मेरे कैंप में आओ, वहाँ जगह है, पहले से ही तैयारी चल रही है। और उसके लिए 200 कुंटल चावल कार्तिक राम यादव, छत्तीसगढ़, सिवरी नारायण, डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा, बिल्लू अग्रवाल आदि आदि 5 लोग मिल करके 200 कुंटल चावल वहां के लिए भेज रहे हैं। 200 कुंटल आटा संदीप वर्मा, बिंदु वर्मा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश वाले भेज रहे हैं। रोटी बनाने की मशीन 7 लाख की, बिहार के एक भक्त, नाम नहीं याद है, प्रयागराज कुंभ की सेवा देखकर वो भेज रहे हैं। आटा डाल दो, वो मशीन खुद माड़ेगी, लोई खुद बनाएगी, बेलेगी खुद, सेकेगी खुद, और खाओगे तुम। ऐसी मशीन लगेगी वहाँ, उज्जैन में लगी थी, वो यहाँ लगेगी हरिद्वार में, और हम भी वहीं रहेंगे आपके साथ में, और प्रवचन भी चलेगा खूब धूमधाम से, और हम आपको मिलेंगे। लेकिन हम केवल सत्संग में मिलेंगे, जहाँ भोजन करोगे वहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ सब लोग दौड़ पड़ते हैं चरण छूने के लिए, तो हमको गिरा देते हैं, इसलिए वहाँ नहीं आते हैं, बहुत भीड़ दौड़ती है। लेकिन मैं कह रहा था संत बनो तो धर्म की रक्षा का काम करो, जन जन के दिलों में सोई हुई भक्ति को भी जागृत कर दीजिए। पितृ भक्ति, मातृ भक्ति, देश भक्ति, गुरु भक्ति, उनके अंदर जो आज तक सोई पड़ी है, उसको अपने शब्दों के ज्ञान के माध्यम से जागृत करके देश के प्रति भी प्रेम पैदा कर दीजिए। इसलिए मैं देश के जवानों को, मिलिट्री कर्मचारियों को, मिलिट्री जवानों को भी धन्यवाद देता हूँ, पुलिस जवानों को भी धन्यवाद देता हूँ, जो देश की रक्षा में कवच कुंडल का काम देश की सीमा पर कर रहे हैं। और यहाँ इस सभा में हमारे साथ में मिलिट्री के बहुत से जवान भक्त भी हैं, गुरुदीक्षा भी ले चुके हैं। ये हमारे राजकुमार जी भी मिलिट्री में हैं, और कोई मिलिट्री का हो खड़े हो जाओ, महेंद्र मिलिट्री वाले रिटायर हो तो, और चालू सर्विस तो, और कोई मिलिट्री वाला,
खड़े हो ना, लोग भूल भी जाते हम कहाँ वाले हैं। ये देखो, एक दो तीन चार, ये चार लोग मिलिट्री, एक पांच, देखो वो बेंगलोर से रिटायर होकर आए, कल इनके घर गए थे हम, बहुत बढ़िया सेवा किया था, 10 किलो सेव काट कूट के रखा था पहले से सेवई बनाया था, धन्य हो तुम, आशीर्वाद, बैठो। देश की रक्षा के लिए, देशवासियों को निश्चिंत रखने के लिए, देश की सीमा पर इन माताओं बहनों के लाल खड़े खड़े कमाल कर रहे हैं, हमें तुम्हें कोई चिंता नहीं है। और वहां पर वह अपनी जान हथेली पर लेकर के हमारी तुम्हारी सुरक्षा का कवच कुंडल बनकर खड़े। मिलिट्री के जवानों के लिए कभी कभी रक्तदान भी करना चाहिए, और रक्तदान करने से नया रक्त बहुत स्पीड से आपकी बॉडी में बनता है, उनके लिए रक्तदान कीजिए। जो अपना जीवन दान कर चुके हैं देश की रक्षा के लिए, देशवासियों को चाहिए कि अपना एक एक बोतल रक्त उनके लिए दान कीजिए। कभी उनको चोट लग जाए, घायल हो जाए और खून बह जाए, तो तुम्हारा खून उनकी नसों में दौड़ने लग जाए और तुम्हारे खून की ताकत से फिर वह लड़ाई लड़ सके। धन्यवाद है माताओं बहनों को जिन्होंने ऐसे कमाल के लाल को पैदा किया है। इनके द्वारा जन्म दिए हुए बालक कभी कभी महान संत भी बनते हैं और महान नेता बनते हैं, देश को संभालते हैं। और याद रखना, ये हमारा जीवन कैसे मंगलमय होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जिसका आहार विहार यथा योग्य है और जिसका कर्म यथा योग्य है। सबसे पहले क्वेश्चन कीजिए कि हमें क्या कर्म करना चाहिए। कर्म करने में तो तुम स्वतंत्र हो, लेकिन आज का कर्म कल का भाग्य बन जाता है। कर्म की कलम से अपने भाग्य के चित्र को बना सकते हो। आपके भाग्य का निर्माण कोई भगवान नहीं करता है, आपके भाग्य का निर्माण आपका कर्म करता है। आपने एक कहावत सुना होगा, तुरंत का दान महाकल्याण। ऐसा कभी कभी सुना होगा, नहीं सुना तो मैं सुना देता हूं, तुरंत का दान महाकल्याण। इसका क्या अर्थ होता है? किसी छोटे से गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी के एक बेटी थी और बेटी की उम्र ज्यों ज्यों बढ़ने लगी, पंडित जी की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं थे, गरीबी ज्यादा थी। गरीबी भी एक बहुत बड़ा दुख है, इसलिए निवेदन करूंगा, गरीब मत बनिए, सोच विचार कर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, फिजूल खर्ची मत कीजिए, टाइम पास मत कीजिए, बुरी संगत में मत पड़िए, नशा व्यसन की आदत छोड़िए और सही डिसीजन लेकर के सही समय पर काम कीजिए, ताकि आपके घर में गरीबी न रह सके। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, इस फार्मूले का प्रयोग कीजिए, पति पत्नी झगड़ा मत कीजिए तो आपके घर में गरीबी नहीं आएगी। मूर्ख यत्र न पूज्यन्ते धन्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। बड़ी मार्मिक चाणक्य कहते हैं, जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, अन्न का अपमान नहीं होता है और जिसके घर में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, उसके घर में लक्ष्मी चुपचाप आकर के बसेरा करती है, वहां कभी दरिद्र नहीं आता है। इसलिए सुमत से रहोगे तो आपके घर में संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। कितने लोगों के घरों में देखा जाता है, पति पत्नी में 24 घंटे में 48 बार झिका झोरी होती रहती है। कभी पति पत्नी को धक्का मार देता है, कभी पत्नी पति को धक्का मार देती है। वो धक्का मार परिवार है, धक्का परेड गाड़ी है, ढकेल ढकेल के स्टार्ट कर रहे हैं। पत्नी कठोर बोलती है पति को और पति नाराज हो जाता, 2-3 दिन गायब ही रहता है। भदोही जिले से मेरे पास एक फोन आया, एक माता जी ने फोन किया, बोले हमारे पति जी कहीं भाग गए हैं नाराज होकर। तुमने कहा इंतजार करो, आ जाएंगे 2-3 दिन में, तो बोली 2-4 बार और भाग चुके। तो हमने कहा तुम्हारा पति भगोड़ा है, होशियार है। बोले जब डांटती हूं तभी भागते,
तो हमने कहा कम डांटा करो। बोले पान तमाखू पुड़िया खाते हैं तो डांटना पड़ेगा ही। तो हमने कहा ज़्यादा इंजेक्शन मत लगाओ। तो बोले अब उनकी भी आदत पड़ गई है भागने की, मेरी आदत पड़ गई डांटने की, फिर आएंगे तो फिर डांटूंगी। अभी डांट कर, फटकार कर, लड़कर और झगड़ कर अगर आप अपनी पत्नी के कहने से पान पुड़िया तमाखू दारू नहीं छोड़ सकते हो, धिक्कार है तुमको। आपकी पत्नी ने आपके प्रेम के आकर्षण में पड़ करके अपने माता पिता भाई बहन सखी सहेली गांव छोड़ करके आपके पास में आकर के वहीं बसेरा कर रही है, और आप उसके प्रेम में ये दारू नहीं छोड़ सकते हो, ये पुड़िया नहीं छोड़ सकते हो, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकते हो। कहते हो बीड़ी नहीं छोड़ पाऊंगा, तुमको भले छोड़ दूंगा, बीड़ी के साथ शादी किया था कि पत्नी के साथ शादी किया था? इतना कैसे कायर हो गए, इतना कैसे कमजोर हो गए, ये नशा व्यसन में मत डूबिए। आलस्य को भी छोड़िए, उन आदतों को छोड़ दीजिए जिनके कारण आपके घर में कलह कलेश होता है, उस बातचीत को बंद कर दीजिए जिसके कारण आपस में झगड़े होते हैं, और ये भी याद रखना उस स्वभाव को भी बदल दीजिए जिसके कारण घर में मनमुटाव बढ़ रहा है, और वो अपने सारे सिस्टम को चेंज कर डालिए जिसके कारण घर में गरीबी बढ़ती जा रही है। आपके घर में अमीरी होनी चाहिए। धनवान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, विद्वान बनो, बुद्धिमान बनो और विवेकवान बनो। आपकी जिंदगी में अच्छा मकान भी होना चाहिए, अच्छी गाड़ी भी होना चाहिए और परिवार के लिए अच्छी व्यवस्था भी होना चाहिए। कितने लोगों को देखा जाता है आलस्य के कारण उनके घर में गरीबी बढ़ती जा रही है, फिजूल खर्ची के कारण घर में गरीबी बढ़ती जा रही है, ज्यादा बातें करने के कारण घर कंगाल होता जा रहा है, घर सब डीहुडेला होता चला जा रहा है। विचार कीजिए, अच्छे ढंग से काम कीजिए, जीरो से हीरो बनने की कोशिश कीजिए। अगर बुद्धि विवेक से तुम काम करोगे तो ना तो तुम गरीब रहोगे, ना अपमान पाओगे, सब जगह तुम्हारा सम्मान होगा। याद रखना एकता और सुमत में वह शक्ति होती है, मधुमक्खियों की सुमति और एकता हाथी को भी डरा देती है, और चींटियों की एकता और सुमत और परिश्रम बड़े से कीड़े को भी खींचकर अपने गड्ढे तक पहुंचा देती है। और जहां सुमत नहीं है, एक एक करके सबका अंत होता चला जाता है और घर की उन्नति रुक जाती है। तो मैं आपको बता रहा था तुरंत का दान महाकल्याण। एक पंडित जी थे, बहुत गरीब थे, एक ही बेटी थी, बेटी की उम्र बढ़ रही थी, और बेटियां ऐसे बढ़ती हैं जैसे लौकी बढ़ती है। कितने लोग कहते हैं बेटियों की लंबाई बहुत बढ़ रही है, बहुत जल्दी जवान हो रही है, चार बेटियां हैं चारों बराबर हो गई, ये तो बहुत अच्छा है, यूरिया डीएपी पड़ रही, प्रोग्रेस कर रही, तो चारों एक साथ विवाह कीजिए, लफड़ा किस बात का। राजा जनक ने अपनी चारों बेटियों का विवाह सीता, श्रुत, कीर्ति, मंडवी, उर्मिला, उनके भाई की बेटियां थी, उनका सबका विवाह एक साथ रच दिया था। हमारे पूर्वज राजा जनक हमारे आपके बीच में आदर्श प्रस्तुत करके गए हैं कि आपकी बेटियां अगर चार चार बेटियां एक साथ जवान हो जाएं तो चारों बेटियों की शादी एक साथ कीजिए, तो मेहमानों को भी चार बार आना नहीं पड़ेगा, और चार बार सबको खाना खिलाना नहीं पड़ेगा, और चार बार ढोल बैंड बजाना नहीं पड़ेगा, और चार बार पटाखा फोड़ना नहीं पड़ेगा, और चार बार जनरेटर चलाना नहीं पड़ेगा, और चार बार मंडप लगाना नहीं पड़ेगा, और चार बार कुछ झंझट करना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में सब फाइनल हो जाएगा। बड़ा सा मंच बनाइए, चार सोफा डालिए बेटियों के लिए, चार दामादों के लिए, और चारों दामाद के सिर पर मुकुट लगा दीजिए, और जयमाला विधि से प्रोग्राम कीजिए, और पंडित जी को बुला लीजिए, चार पंडित बुलाइए, एक साथ मंत्र पढ़ें, चारों को दक्षिणा दे दीजिए, पंडित जी खुश हो जाए, और फटाफट चट मंगनी पट विवाह, और साथ में यदि हो सके तो विदाई भी कर दीजिए, और थोड़े दिन बाद फिर ले आइए, चारों का घर बस गया, तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई, और तुम बार बार वही हर साल चकई की चकधुम मकई के लावा तिकड़ी तिकड़म बनाते रहोगे, तुम ज़्यादा परेशान हो जाओगे।
ये सब फटाफट करना चाहिए। हाँ, लेकिन समाज में ऐसे कम समझ के लोग हैं, कहना शुरू कर देते हैं चारों लड़कियों का विवाह एक साथ इसलिए किया कि चार बार मेहमानन के यहाँ खवावे के न पड़े, इसलिए किया। अरे तुम चाहे जो भी बको, तुम्हारे बुद्धि नहीं है। और दिन में विवाह करना चाहिए, रात में नहीं। रात में बब्बड़ मचाने क्या काम। दिन में जनरेटर वनरेटर की जरूरत नहीं, लाइट की जरूरत नहीं, ढमढम मचाने की ज़्यादा जरूरत नहीं। दिन में कीजिए 12 बजे से लेकर 3 बजे टाइम रखिए, बस दिन में निपट गया काम, सब दिख रहा है। दिन में खिलाओ लोगों, पेट खराब नहीं होंगे। रात में लोग खाते हैं, पेट खराब करते हैं, डबल पैसा डॉक्टर को देते हैं, 3 दिन बीमार पड़े रहते हैं। और शादी, शादी का मतलब है सादा इंतजाम करो। आजकल कंपटीशन पर शादियों का इंतजाम हो रहा है। राजस्थान में एक हमारे भक्त मुस्लिम भाई थे, बड़े प्रेमी हमारे हैं, उन्हीं के हमें ठहरता हूँ जब जाता हूँ भवानी मंडी में। तो कह रहे थे बेटे का विवाह किया था तो पूरी भवानी मंडी को दुल्हन जैसे सजा दिया था। अब उसके बाद दुल्हन जैसा भवानी मंडी शहर को सजाया, फिर घर में दुल्हन आ गई। और दूसरे साल जब मिले तो बोले कमरे मिलूंगा अकेले, तो अकेले मिलो तो रोने लगे, बोले ऐसा नरक बना दिया है घर में। तो हमने कहा भवानी मंडी भी दुल्हन और घर में भी दुल्हन, सब हो गया काम खत्म। बोले सब बोलचाल बंद है, सब मुंह फुलाए रहते तो बोले आप थोड़ा बुला के ज्ञान दे दो, हम आपको मानते बहुत हैं। तो हमने ज्ञान समझाया तो बड़ा बेटा तो समझ गया थोड़ा, बड़ी बहू समझ गई, लेकिन छोटे के अंदर ज़्यादा अहंकार था, कम समझ में आया। बाद को फोन आया कि आधा सुधार तो हुआ है पर आधी बीमारी बची है, दोबारा जब तक आओगे फिर बीमारी बढ़ सकती, थोड़ा जल्दी आइए। बेटियों से निवेदन करूंगा, ससुराल जाना तो वहां पर तहलका कांड मत शुरू करना, हंगामा मत खड़ा करना, आतंकवादी बहू बनकर के मत जाना। वहां शांत प्रिय रहिए, गम खा लीजिए, सहनशीलता रखिए। ये मत सोचिए हमारे माता पिता बड़े दबंग हैं, बड़े तेजो तर्रर हैं, यहाँ माता पिता से काम चल जाता तो ससुराल आने की तुमको जरूरत नहीं थी। ससुराल में अपना सेटलमेंट करना सीखिए, साधु बनो तो आश्रम में अपना सेटलमेंट करो, गुरु के पास में करो, ताकि तुम्हारे माता पिता को भी खुशी हो। ससुराल में बेटी को सेट हो जाना चाहिए, और साधु बनो तो आश्रम में गुरु के दरबार में शिष्य को सेट हो जाना चाहिए, ताकि माता पिता निश्चिंत हो जाए। कितने लोग साधु बनते हैं, आश्रम में भी खटर पटर करते रहते हैं, माता पिता भी टेंशन में है कि घर छोड़ी साधु बना हुआ सधोनम लफड़ा बनाओ तो कुछ। और कितनी बेटियां ससुराल जाती हैं, ससुराल में खटपट शुरू। दुनिया में अगर गम नहीं खा सकोगे तो याद रखना दुनिया में कहीं सेट नहीं हो सकोगे। अगर गम खाना आ गया तो कांटों में भी गुजारा हो सकता है, और गम खाने को तपस्या बताया गया है। कम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिल लाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिल लाए। गम खा लोगे तो आपकी जिंदगी की गम कम हो जाएगी, इसलिए गम खाना चाहिए और माता पिता को दुखाना नहीं चाहिए। अच्छा काम कीजिए, माता पिता की बात का सम्मान कीजिए। एक दिन पंडित जी की बेटी ने पूछा, पिताजी आप बहुत दुखी दिखाई देते हैं, क्या बात है? पंडित जी ने कहा, बेटी दुखी हूं इसलिए दुखी दिखाई देता हूं। बोले आप चिंता में भी दिखते हैं, चिंतित हूं इसलिए चिंता में दिखता हूं। किस बात की चिंता है? जिस बात की चिंता है उस बात की चिंता है, तो बताइए ना स्पष्ट आप चिंता क्यों करते हैं। पंडित जी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तेरे से क्या छिपाऊं, तेरी उम्र शादी के योग्य हो गई है, तेरी शादी की चिंता है, पैसे पास में नहीं, विवाह कैसे करूं।
तो बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं ना समझ नहीं हूँ, मैं तो बहुत बड़ी हो गई, आप मेरी चिंता मत करो, मैं अपनी चिंता का उपाय बता देती हूँ। मैंने सुना है इस देश का राजा बहुत दानी है, बड़ा दयालु है, आप उस राजा के पास जाओ, धर्मवीर राजा है, और उस राजा को एक छोटी सी कविता सुनाओ, उस कविता से खुश होकर के आपको कुछ न कुछ इनाम देगा, और रोज कविता सुनाना, रोज इनाम लाना, और इनाम इतना इकट्ठा हो जाएगा साल भर में कि उसी पैसे से शादी हो जाएगी। तो पंडित जी ने कहा, बेटी मुझे कविता बनाना भी नहीं आता। तो बेटी ने कहा, कविता मैं बना दूंगी, तो बनाओ कविता तुम। तो बेटी ने कविता बनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। पंडित जी ने कहा, इतनी बड़ी कविता? बोले, छोटी ही ठीक, बहुत लंबी चौड़ी सुनने का टाइम भी नहीं, छोटी सुनाओ, देखन में छोटी लगे, घाव करे गंभीर, जाइए आप। पंडित जी कविता याद करके गए, राज दरबार में पेश हुए, राजा के सामने कविता सुनाया, वहाँ बड़े बड़े कवि आए हुए थे, जहाँ कवियों का सम्मेलन चल रहा हो, कॉम्पिटिशन पर कविताएँ सुनाई जा रही हों, वहाँ अच्छे अच्छे कवियों का पसीना टपक जाता है, ताल ठोक काम होता है, बहुत कवि थे, अच्छी अच्छी कविताएं सब सुना रहे थे। पंडित जी का नंबर आया और सुनाया तुरंत का दान महाकल्याण। इस कविता को सुन करके राजा बहुत खुश हुआ, उसने कहा, 5 स्वर्ण मुद्रा इस पंडित को दीजिए, छोटी कविता है लेकिन दमदार है, तुरंत का दान महाकल्याण, तुरंत इसको जो है 5 स्वर्ण मुद्रा दे दो। 5 स्वर्ण मुद्रा पा गया ब्राह्मण बालक, वापस लौटा मुस्कराता हुआ, लेकिन अन्य कवि थे उनको टेंशन हो गई कि छोटी सी कविता सुनाया, केवल 10 सेकंड में सुना दिया, 5 स्वर्ण मुद्रा लेकर चला गया। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी कविता रात रात भर रचते हैं, खूब संशोधन करते हैं, भाषा उसकी ठीक करते हैं, व्याकरण से सुधारते हैं, और यहाँ सुनाते हैं तो 1 स्वर्ण मुद्रा मुश्किल से मिलती है। तो ये तो पंडित कम मेहनत में ज्यादा मार ले गया, ईर्ष्या हो गई। दूसरे दिन पंडित जी घर में बैठे थे, बेटी ने कहा, फिर जाओ कविता सुनाओ। पंडित जी ने कहा, अब क्या सुनाऊं, दूसरी कविता बनाया है? बोले, दूसरी की जरूरत ही नहीं, यही कविता सुना दो जाकर। फिर वही सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण, राजा खुश हुआ, 5 स्वर्ण मुद्रा फिर दिया और सम्मान से विदा कर दिया। सब कवि परेशान हो गए कि ये मामला क्या है, हम इतनी बड़ी कविता सुनाते हैं, 1 ही 1 स्वर्ण मुद्रा मिलती है, इसको 5 मिली। तो कवियों ने कहा, राजा साहब एक बात बताऊं, ये रटी रटाई कविता सुनाता है, जरा इससे अर्थ भी तो पूछो, इस कविता का अर्थ क्या है, न जाने कहां से सीख कर आया है, आपको ठग कर ले जाता है, इसमें इतनी बुद्धि ही नहीं है जो ये सुना सके कविता। तीसरे दिन जब पंडित जी आए, बेटी ने कहा, यही कविता सुनाना जाकर, सुनाया तुरंत का दान महाकल्याण, राजा ने कहा, इसका अर्थ बताओ। पंडित जी के पांवों के नीचे की जमीन खिसक गई, अब क्या करूं, अर्थ तो मालूम नहीं। राजा ने कहा, 5 स्वर्ण मुद्रा दीजिए, कल आकर के अर्थ सुना देना, अर्थ नहीं सुनाया तो अनर्थ कर दूंगा, समझ लेना। इधर उधर से रट रटा के आते हो, यहां से मुद्रा ले जाते सोने की। पंडित जी जब लौटे तो बहुत दुखी और चिंतित लौटे, बेटी ने देखा अपने पिता के चेहरे को, कहा, पिताजी आज क्या हो गया? बोले, आज ज्यादा चिंता का विषय है, राजा ने अर्थ पूछा है और कहा है कल अर्थ नहीं बताओगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्या करूं? बेटी ने कहा, चिंता किस बात की, जब कविता मैंने रचा तो अर्थ मैं बता दूंगा, आप तो निश्चिंत सो। जिसकी बेटी बुद्धिमान है, जिसका बेटा बुद्धिमान है, माँ बाप की चिंता कम होना शुरू हो जाती है। जिस गुरु के शिष्य बुद्धिमान है तो गुरु का असमंजस कम होना शुरू हो जाता है, और जिस अफसर के कर्मचारी बुद्धिमान है तो अफसर की टेंशन कम होने लग जाती है, और जिस पार्टी के सभी कार्यकर्ता बुद्धिमान होते हैं उस पार्टी के जो अध्यक्ष होते ना उसकी टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि अध्यक्ष के पीरियड में पार्टी हार जाए
तो अध्यक्ष की चीज है लेदर फालतू, और कार्यकर्ताओं के कारण भी हार जीत होती है। और जिस घर की बहुएं बुद्धिमान हैं तो सासुएं सब निश्चिंत हो जाती है, और जिस घर की सासू बुद्धिमान है तो बहुएं बहुत मलारे गाती खुश रहती है, और जिस घर की बहनें बुद्धिमान हैं उस घर में क्या पूछना है, सामान सेटिंग से रखा हुआ मिलेगा। और जिस घर के सभी बुद्धू हैं तो पूरे घर का सामान पूरे घर में सब फैला रहेगा, कहीं गिलास पड़ा, कहीं गड़सा पड़ा, कहीं हजिया पड़ा, कहीं खुरपा पड़ा, कहीं कटोरा लुढ़क रहा, कहीं लोटा लुढ़क रहा, कहीं बाल्टी लुढ़कत पड़ी, और कहीं उसी में फंस गए पांव लड़के खुद गिर गए क्योंकि टोटल बुद्धू है, कोई सामान रखिए नहीं। बड़ी विचित्र बात है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। पर्ची में लिख कर आया है, क्या लिख कर आया है बताऊंगा नहीं, नहीं तुमको चिंता हो जाएगी। इसमें लिखा है 10-5 मिनट सत्संग बढ़ा देना, टाइम पर बंद मत कर देना, नहीं हमको भी चिंतम डाल दोगे तुम। ऐसा लिखा है शिशुपाल भैया ने, जिला समाज कल्याण अधिकारी ने। उधर पीछे उनके कुछ लोग बैठे रहते, उनके कान में खुसर खुसर कर देते कि जाओ कहो नहीं बंद कर दे। मैं बात मान जाऊंगा 10-5 मिनट में क्या फर्क है, ठीक बात है कि नहीं। जिद्दी हमको भी नहीं बनना चाहिए, हठबाजी करना खट बंद कर दिया वो बात गलत है, थोड़ा बात मान ले चाहिए, नहीं तो अगर हम यहाँ जिद करेंगे तो रात में वो हमको विदा करेंगे कि तुम निकलो ही इस बार, हम मंच पर जिद दिखाओ तो थोड़ा 10 मिनट बढ़ा दूंगा। तुम्हारे हित के लिए कहा है, बहुत अच्छी बात है, सीधे बैठो। हमारी नाम को स्वामी लगा दो पार धीरे से, हमारी नाम को स्वामी लगा दो पार धीरे से, हमारी नाम को स्वामी लगा दो पार धीरे से, ताली बजा कर गाइए सब गाइए, नाम को स्वामी लगा दो पार धीरे से। न मांझी है न केवट है न रुख सीधा हवा का है, न मांझी है, जय हो मैनपुरी की, न रुख सीधा हवा का है, न रुख सीधा हवा का है, न रुख सीधा स्वामी लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से। तुरंत का दान महाकल्याण, बड़ी प्यारी कथा है। बेटी ने कहा पिताजी सवेरे अर्थ बताऊंगी, आप तो चिंता ना कीजिए। जिसकी संतान माँ बाप की चिंता को दूर करने का प्रयत्न करती है, याद रखना वो बेटा नहीं, कोई धर्म पुत्र आपके घर में जन्म लिया है, वो बेटी नहीं, कोई देवी की आत्मा आपके घर में आकर पैदा हुई है, जो आपकी चिंता को दूर करने का प्रयत्न कर रही है। जिसका शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न देखना चाहता है,
जो भक्त अपने भगवान को खुश देखना चाहते हैं वे भक्त साधारण नहीं महान आत्मा होते हैं, जो अपने गुरु को प्रसन्न देखना चाहते हैं। याद रखना, जीवन में जो दूसरे की प्रसन्नता का ख्याल करता है, जो दूसरों की चिंता को दूर करने का प्रयास करता है, वो स्वयं कभी चिंता की चिता में नहीं जलता है और ना कभी दुख की भट्टी में सुलगता है। वो दूसरों को सुख देने वाला आत्मा स्वयं सुख के सागर में गोता लगाता रहता है। सवेरा हुआ, पंडित जी ने स्नान किया, बेटी ने अपने पिता को प्रणाम किया, सवेरे उठकर अपने माता पिता को प्रणाम किया करो, शाम को सोने से पहले उनको प्रणाम कर लिया करो। आपका पति बाहर कहीं जा रहा हो, दुकान पर जा रहा हो, उसको प्रणाम किया करो, और बाहर से जब घर में आए तो द्वार पर उसे रिसीव भी किया करो, प्रणाम करो। और ये भी याद रखना, एक साथ एक ही घर में रहते हो फिर भी एक दूसरे का हाल चाल कुशल मंगल रोज पूछ लिया करो। कुशल मंगल तो है ना, सब ठीक है समाचार? मैं अपने साधु संतों से पूछ लेता हूँ, रोज पूछता हूँ, सब लोग कुशल मंगल हो, समाचार ठीक है। साधु संत कभी कभी हमसे भी पूछते हैं, आप ठीक हैं गुरुदेव? साथ रहने वाले लोगों को भी एक दूसरे का कुशल मंगल का ख्याल रखना चाहिए। और बेटी ने कहा, जाओ पिताजी, राजा साहब को यही कविता सुनाना, और जब अर्थ पूछेंगे तो कह देना कि इसका अर्थ मैं नहीं दे सकता हूँ, इसका अर्थ अगर जानना चाहते हो तो शाम को 4 बजे अपने बगीचे में जाइए, वहाँ पर देवदूत धर्म का विमान लेकर आएंगे और उनके विमान पर तुम बैठ जाना और वे तुमको इस कविता का अर्थ बताएंगे। पंडित जी जाते हैं, राज दरबार में प्रवेश होते हैं, राजा को फिर से कविता सुनाते हैं, राजा तुरंत बोलता है कि अर्थ बताइए, आज बिना अर्थ बताए स्वर्ण मुद्रा नहीं मिलेगी। पंडित जी ने कहा, इसका अर्थ शाम को 4 बजे अपने बगीचे में आप घूमने के लिए जाइए, वहां एक धर्मदूत विमान लेकर आएंगे, देवदूत, वे विमान पर आपको बिठा कर ले जाएंगे और इस कविता का अर्थ आपको दिखाएंगे। राजा ने कहा, इतना लंबा अर्थ दरबार में नहीं बता सकता। बोले, वो देखना ही पड़ेगा, शब्दों से बखान नहीं किया जा सकता। राजा खुश हुआ, 5 स्वर्ण मुद्रा दिलाया। सभी कवि आश्चर्य में हैं कि देखो अर्थ क्या निकलता है। शाम को 4 बजे राजा बगीचे में गया और जा करके देखा कि वहां देवदूत विमान लेकर आए हैं, और देवदूत विमान से उतरते हैं, राजा से पूछते हैं, क्या तुम तुरंत का दान महाकल्याण का अर्थ जानना चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। बोले, विमान पे बैठ जाइए। विमान पर बिठाया और विमान उड़ा, आकाश में तेज गति से विमान उड़ रहा है। राजा के होश उड़ गए कि न जाने कहाँ ले जाएंगे, इस अर्थ में कोई अनर्थ ना हो जाए हमारे साथ। राजा का दिल डरा भी, अकेला हूँ। जब तुम अकेले होते हो तुम्हें डर जाता लगता है, क्योंकि तुम कभी अकेले रहे ही नहीं। इसलिए मैं देखता हूँ बहुत से लोग जब सड़क क्रॉस करते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, गुफम गुफा जोड़ लेते हैं कि मरे भी तो साथ में संभरो, पार हो जाओ तो साथ में पार, डर लगता है।
एक दूसरे को, पत्नी अपने पति को पकड़ लेती है, पति बेटे को पकड़ लेता है, बेटा बाप को पकड़ लेता है, सब डरे हुए हैं। डरने वाले लोग ज़्यादातर झुंड में ही रहते हैं, निडर व्यक्ति अकेले भी चल देता है। लेकिन मैं नहीं कहता हूँ तुम अकेले चलो, जैसा उचित हो वैसा चलो, डर हो या ना डर हो, लेकिन उचित जैसा हो वैसा चलो। क्योंकि दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं निडर हूँ, तुम अकेले कूद पड़ो कहीं जाकर, कोई लफड़ा हो जाए तो कहो कि गुरुजी ने बताया था निडर रहना चाहिए। नहीं, मधुमक्खियाँ भी झुंड में चलती हैं, चींटियाँ भी अपने झुंड में चलती हैं, चिड़ियाँ भी झुंड की झुंड उड़ती हैं, शेर भी अपने कैंपस में रहता है। और याद रखना, हर प्राणी हाथियों के झुंड भी होते हैं, आदमी को भी अपने झुंड में, अपने संगठन में रहना चाहिए, वहाँ से सफलता ज़्यादा मिलती है। बहुत ही आकाश में जाकर के ऊंची उड़ान के बाद विमान उतरता है। धर्मदूत कहते हैं, राजा साहब देखिए, तुरंत का दान महाकल्याण का अर्थ है। क्या अर्थ है? तो वहां एक सोने का महल बन रहा था, बहुत बड़ा नया स्वर्ग बनाया जा रहा था। धर्मदूतों ने कहा कि धरती पर एक राजा है, उसका नाम धर्मवीर है, बहुत धर्म करता है, दान पुण्य करता है, जनता को अपने पुत्र की तरह, संतान की तरह मानता है, अनुशासन भी जिसका बहुत अच्छा है। उसके धर्म के प्रभाव से उसके लिए यहाँ पर स्पेशल सोने के महल का स्वर्ग बनाया जा रहा है। वो जब मरेगा तो इसमें अकेला आनंद करेगा, स्वर्ग का सुख भोगेगा। तो उस राजा ने कहा, धर्मवीर तो मेरा ही नाम है। बोले तो आपके लिए ये बन रहा है, तुरंत का दान महाकल्याण इधर हो रहा है, राज दरबार में तुरंत दान करते हो और इधर महाकल्याण शुरू हो गया आपका है। राजा बड़ा खुश हुआ कि पंडित बड़ा बुद्धिमान है, लोक परलोक का अर्थ जानता है, ऐसी कविता बनाता है कि दरबार में सुनाता है, अर्थ इतनी दूर मिलता है। ये तो बहुत बड़ा बुद्धिमान है। विमान में बैठकर देवदूत बगीचे में राजा को फिर छोड़ जाते हैं। राजा रात भर खुशी मनाता है। सवेरा होता है, बेटी कहती है, पिताजी जाओ वही कविता फिर सुनाओ। तो पंडित जी कहते हैं, दिल में डर लगता है कि अर्थ समझ में ना आया हो तो कुछ और हो जाएगा, जेल में डाल देगा राजा की बुद्धि का क्या भरोसा। इसलिए राजा से कभी टकराना नहीं चाहिए, और वकीलों से कभी झंझट नहीं करना चाहिए, और डॉक्टर से नाराज नहीं होना चाहिए, और पुलिस वालों को हमेशा खुश रखना चाहिए, और साधु संत को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे भी उपद्रव में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं श्राप उराप दे दे लफड़ा हो जाए। एक वकील साधु से बहुत तर्क वितर्क कर रहा था, तो वकील की पत्नी बैठी थी ट्रेन में, मैं भी था, दूसरे साधु से भिड़ा था वकील, रोज उसकी तर्क वितर्क करने की आदत थी, कानून का पूरा मर्मज्ञ आदमी, कोर्ट को हिला देने वाला, जज का पसीना निकाल देने वाला वकील। अब भिड़ गया ट्रेन में साधु से, तो उसकी पत्नी सुनती गई, आधा घंटे बाद बोली कि बेवकूफ, कहीं का अगर दोबारा बोल दिया तो तेरे चमाचा मार दूँ। वो साधु अगर कहीं नाराज हो गया और श्राप दे दिया, घर सत्यानाश हो जाए, क्यों तर्क वितर्क करते, ये कोई कोर्ट? और मुझे विश्वास है, ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाले लोग ना कभी सत्य को समझ पाते हैं, ना शांति को प्राप्त कर पाते हैं। शांति का रास्ता तो प्रेम के पथ से निकलता है, और तर्क को तर्क से निकलता ही है। इसलिए प्रेम के मार्ग से चलो। धन्य हो आप, प्रेम का पथ शांति की मंजिल तक जाता है।
पति पत्नी के बीच में तर्क को तर्क मत कीजिए, बात मत लड़ाइए, मुस्करा दीजिए, सिर हिला दीजिए, ठीक है, ऐसे करना सीखो। पत्नी को हरा भी दोगे तर्क में तो तुम बहादुर नहीं बन जाओगे। क्यों? क्योंकि पति पत्नी दोनों का जीवन संगम होता है, वो अर्धांगनी है, तुम्हारे आधे अंग अर्धांगनी कही जाती है, उसकी हार तुम्हारी हार है, तुम्हारी जीत उसकी जीत है, इसलिए आपस में कभी तर्क को तर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि पत्नी को ही जिता देना चाहिए। और पत्नी जो बुद्धिमान है अपने पति को जिता देती है कि आप जीतोगे तो कौन जीतेगा, मेरा पति ही जीतेगा, और जब मेरा पति जीतेगा तो उसकी जीत मेरी जीत है, इसलिए क्या झगड़ा करना है। पंडित जी दरबार में जाते हैं, राजा बड़े स्वागत के साथ कुर्सी पर बिठाता है पास में, सभी कवियों का मन तिलमिला जाता है, इसके लिए स्पेशल कुर्सी लगवा दी, राजा साहब भी ऐसा सोच रहे। कहा, पंडित जी आपके कविता का अर्थ बहुत महान निकला है, तुरंत का दान महाकल्याण मैंने देख लिया, आज आपको 10 स्वर्ण मुद्रा दी जाएंगी, कविता सुनाइए। फिर सुनाया तुरंत का दान महाकल्याण, कविता सुन करके राजा खुश हुआ, 10 स्वर्ण मुद्रा दिया और पूछा, ये कविता किसने बनाया है, अर्थ किसने बताया? पंडित जी ने कहा, मेरी एक बेटी है, उसने ही कविता रचा है और उसी ने अर्थ बताया। अच्छा पंडित जी, याद रखना, इतनी बुद्धिमान बेटी आपकी, तो मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करूंगा। पंडित जी ने कहा, मैं ब्राह्मण हूं, आप क्षत्रिय हो, जोड़ा नहीं, बेटी छोटी उम्र में, आपकी ज्यादा उम्र तो जमता नहीं है। बोले, जमे न जमे, जोड़ा हो न हो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका बजे सोहरिका हुई। बहुत पागल लोग हैं। पंडित जी का मन बड़ा दुखी हुआ कि ये तो और बदनामी हो जाएगी। बोले, जबरदस्ती ले लूंगा तेरी बेटी को, क्या समझ रखा, पंडित वंडित सब खत्म। तो पंडित जी ने कहा, जबरदस्ती कितनी ही करो, मेरी बेटी को तुम नहीं पा सकते हो, राजा बाजा बन जाएगा लेकिन बेटी नहीं मिलेगी, देखता हूं मैं। घर में आया, दुखी होकर रोने लगा। बेटी ने कहा कि पिताजी, ये तो और लफड़ा बढ़ते जा रहा, क्या मामला है? अरे बोले, अब ये तुरंत दान महाकल्याण सब उल्टा ही हो रहा है, राजा बोल रहा तेरी शादी अपने साथ करेगा, वो तो 50 साल का बूढ़ा है और तेरी उम्र 18 साल। बेटी ने कहा, ऐसा उसके अंदर अधर्म आ गया, जाइए पिताजी, कल सुबह उसको कविता सुनाइए, राजा का दिमाग ठिकाने लगा दूंगी, और कह देना तुरंत का दान महाकल्याण का अर्थ बदल चुका है, शाम को 4 बजे बगीचे में जाकर के अर्थ फिर से देख ले। पंडित जी सवेरे जाकर के फिर कविता सुनाते हो, कहते, राजा साहब आज इस कविता का कविता वही है लेकिन अर्थ वो नहीं है, जाइए कविता का अर्थ बदल गया, देखिए जाकर के बगीचे में जाइए 4 बजे। 4 बजे राजा शाम को बगीचे में गया, देवदूत विमान लेकर आए, विमान पर राजा बैठा और उड़ान भरा, विमान ने जा करके वहीं पर उतारा जहां अगले दिन उतारा था। वहां देखा वो स्वर्ण के महल को तोड़ा जा चुका है और वहां पर बहुत बड़ा नरक कुंड खोदा जा रहा है। राजा ने कहा, क्या बात हुई, ये क्या हो रहा, यहां स्वर्ण महल बन रहा था धर्मवीर राजा के लिए, अब ये क्या हो रहा? बोले, धर्मवीर राजा अब अधर्मवीर हो गया है, वो एक ब्राह्मण की कन्या, छोटी सी उम्र की कन्या के साथ जबरदस्ती विवाह करना चाहता, बुढ़ापे में अधर्म कर रहा है, इसलिए अब उसके लिए यहां नरक बनाया जाएगा, यहां 100 फीट गहरा कुंड खोदा जाएगा, उसमें रक्त पीप मवाद सब मुर्दे सड़ाए जाएंगे और उसमें उसको डाला जाएगा। राजा ने कहा, ये तो और लफड़ा बढ़ गया, मेरे लिए भी झंझट, तुरंत दान महाकल्याण, वास्तव में विचार बिगड़ गया तो वहां जाकर भाग्य बिगड़ गया है, किस्मत बिगड़ गई, इसलिए भावनाओं का भी फल होता है, विचारों का भी फल होता है, कर्मों का फल बहुत बड़ा होता है। राजा तुरंत बोला, देवदूत तुम हमको वहां पहुंचाइए। राजा आता है, अपने दरबार में पेश होता है,
संकल्प लेता है कि पंडित की बेटी के साथ विवाह नहीं करूँगा, और रात में जा करके नींद नहीं आती, सोता तो है नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता है, चिंता हो जाती। सवेरे पंडित जी फिर आते हैं, तुरंत का दान महाकल्याण सुनाते हैं। राजा ने उठ करके पंडित के पैर छुए, क्षमा मांगी, माफ करना पंडित जी, आप भी देवता हो, आपकी बेटी का विवाह मैंने जबरदस्ती करने को कहा था, मैं तेरी कविता का अर्थ देख कर आया, मेरे लिए नरक कुंड खोदा जा रहा है, मैं संकल्प लेता हूं मैं तेरी बेटी के साथ विवाह कभी नहीं करूंगा, तू तेरी बेटी का विवाह जहां करना चाहे वहां कर, और जितना खर्चा लगेगा करोड़ दो करोड़ों मैं लगा दूंगा, लेकिन मैं तेरी बेटी को छूंगा नहीं। पंडित जी घर को आते हैं, खुश दिखाई देते हैं, बेटी पूछती क्या हुआ पिताजी, बोले सब काम बन गया, सब फतेह हो गया, तेरे विवाह में जितना खर्चा लगेगा करोड़ दो करोड़ राजा विवाह करवाएगा, अपने साथ अब विवाह नहीं करेगा, बात बन गई। बेटी ने कहा कल फिर जाइए कविता सुनाइए और राजा से कहिए फिर से अर्थ बदल चुका है, अब नया अर्थ फिर देख ले जा करके। अगले दिन पंडित जी फिर पहुंचे राज दरबार में और कविता सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा ने कहा मत सुना, जो हो गया सो हो गया, अब तू ले जा रुपया कर विवाह अपनी बेटी। अरे बोले नहीं, फिर से अर्थ बदल चुका है, कविता वही है, अर्थ बदल गया, जाइए देखिए। 4 बजे शाम को राजा बगीचे में गया, विमान पर बैठा, देवदूत उसको वहाँ ले गए जहाँ पहले ले गए थे, तो वहाँ देखा कि वो नरक कुंड पाटा जा रहा है और वहाँ लेबल किया जा रहा है, वहाँ सोने का महल फिर से स्वर्ग बनाया जा रहा है। पूछा अब क्या हो रहा है, बोले वो धर्मवीर राजा अधर्मवीर हो गया था, फिर से धर्मवीर हुआ है, अब ब्राह्मण की बेटी के साथ जबरदस्ती विवाह नहीं करेगा, उसके विवाह में सब कन्यादान में पैसा लगाएगा, इसलिए उसके लिए यहाँ स्वर्ण का महल बनेगा, इसमें स्वर्ग बनेगा, राजा को स्वर्ग में स्पेशल रखा जाएगा। राजा लौट कर आया तो समझ गया कि भावना बदलती है तो रिजल्ट बदल जाता है, विचार बिगड़ते हैं तो रिजल्ट बिगड़ जाता है, और याद रखना जिनके कर्म ही बिगड़ गए तो उनके रिजल्ट कितने बिगड़ जाएंगे। जब भावना का ये फल तैयार हो रहा है, तुरंत का दान महाकल्याण, इसलिए मैं कहूँगा सबके प्रति भावना भी अच्छी रखना और अच्छी भावना से जीना, अपने को बेकार मत समझना। आप लंबे से परिवार में जुड़े हैं, बड़े से आश्रम में जुड़े हैं, आप एक वहाँ के सदस्य हैं, आप ये मत समझना कि मैं बेकार में इसमें अटका लटका हूँ, नहीं, आपका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। एक तालाब के किनारे गुलाब का पौधा लगा हुआ था, उसमें गुलाब के फूल खिले हुए थे, जो कोई आता था गुलाब के फूलों को सूंघता था और गुलाब के फूलों को देखता था। गुलाब के फूल के नीचे गुलाब के पौधे में कुछ पत्तियां लगी थी गुलाब की, तो एक दिन पत्तियों के मन में हुआ कि मैं तो खामखा इस पौधे में लगी हूँ, ना मुझे कोई देखता है, ना मेरा कोई सम्मान करता है, ना मुझे कोई छूता है, जिसको देखो गुलाब के फूल की ही प्रशंसा करता है, तो मैं इसके साथ क्यों जुड़ी रहूँ, क्या फायदा, ऐसा उसके मन में विचार आ रहा था। लेकिन एक दिन जोर से आंधी चली, पानी बरसा, गुलाब का फूल भी टूट गया और कीचड़ में मिल गया, पत्ती भी आंधी में टूट कर उड़ करके तालाब में जाकर गिर गई, तो तालाब में पत्ती तैर रही थी और एक छोटी सी चींटी तालाब में उड़कर गिरी और डूब रही थी। उस गुलाब के पौधे की पत्ती को देख करके चींटी को आशा जगी कि इस पत्ती का सहारा ले लूं तो शायद इस पत्ती के भरोसे तैरकर पार हो जाऊंगी। उस पत्ती पर चढ़ गई चींटी और पत्ती के साथ हवा की हिलोरों में बहते बहते किनारे जब चींटी पहुंची तो चींटी ने उस गुलाब के पौधे की पत्ती को धन्यवाद दिया, नमन किया, प्रणाम किया कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बच गई, नहीं तो मैं तालाब के पानी में डूब जाती। उस दिन पत्ती को लगा पता कि मैं भी किसी की जिंदगी बचाने के लिए ही गुलाब के पौधे में लगी हुई थी, मैं बेकार नहीं थी, मैं ऐसे नहीं लगी थी, मैं तो किसी का जीवन बचाने के काम आ गई। तुम भी सोचना, एक बड़े से परिवार में तुम रहते हो, अपने को बेकार मत समझना कि मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरा कोई आदर नहीं। अरे तुम भी किसी की जिंदगी को बचाने के लिए उस परिवार के एक सदस्य हो, उस आश्रम के एक सदस्य हो, तुम भी कुछ काम आ रहे हो, बड़े महत्वपूर्ण हो, तुम भी उस पार्टी के एक महत्वपूर्ण सदस्य हो, आप उसमें जुड़े रहना,
शोभा बढ़ाते रहना, काम करते रहना, क्योंकि घर की शोभा घर के सदस्यों से होती है, पार्टी की शोभा सभी कार्यकर्ताओं से होती है और आश्रम की शोभा साधु संतों से होती है। लेकिन याद रखना, जिस आश्रम में जुड़ो, जिस घर में जुड़ो, जिस पार्टी में जुड़ो, उसके हित चिंतक बनो, उसका नुकसान न करो, उसकी उन्नति में सहयोगी बनो। गुलाब की पत्ती गुलाब के पौधे का आदर बढ़ाती है, गुलाब की पत्ती गुलाब के पौधे की शोभा बढ़ाती है। तुम जहाँ रहो वहाँ की शोभा में चार चांद लगाते रहो, ऐसा नम्र निवेदन व्यास का दी कर रही है। ये प्रसंग था युक्त हार विहारस युक्त चेष्ट से कर्मसु। धैर्य से बैठे रहना, कोई जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि गाड़ी पंचर हो जाए तो आपका आधा घंटे रास्ते में लग जाएगा, और गाड़ी किसी कारण बस बिगड़ जाए तो भी एक घंटा खराब होगा। तो समझ लेना 10 मिनट गुरुदेव का और सुनूंगा, समझो गाड़ी पंचर नहीं हुई, फिर भी पंचर का टाइम यहाँ लगा दूंगा, ऐसा सोच कर बैठो, सीधे बैठो। युक्त हार विहारस युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नाओं बोधस योगो भवत दुख। बहुत बड़ी बात है, आज सूचना मिली है जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनके निवास की व्यवस्था भी यहाँ है, जो रात रुकना चाहेंगे, और उनके रात रुकने वालों के लिए जो बाहर से आए हैं, दूर से आए हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी है, और जो नज़दीक से आए हैं वह लोग अपने घर में सोए जाकर और घर में खाएं जाकर वो इधर प्रवेश करने की कोशिश मत करें। और आज प्रसाद भी बहुत महत्वपूर्ण आया हुआ है, हमारे नारायण और भगवान जी ये दोनों महान मूर्तियों की ओर से, जो कि नगर सेठ हैं, उनके मन में आपके लिए करुणा पैदा हुई है। कल ही वही बोल गए थे उनकी तरफ से प्रसाद आपको प्रदान किया जाएगा, बैठे बैठे ही मिलेगा, 5 मिनट में प्रसाद का वितरण होने वाला है, तैयार कर लीजिए, बैठे बैठे चुपके चुपके मिल जाएगा। और नारायण जी हों तो थोड़ा खड़े होकर दर्शन दे दें, भगवान जी खड़े हो, इधर आ जाओ, दोनों साथ साथ रहते हैं। नारायण जी के बाल भी बहुत सुंदर है, हाँ ऐसे सतयुग वाले बाल हैं, और भगवान जी पीछे हैं। देखो नारायण और भगवान दोनों एक ही बात है। धन्यवाद, आइए चरण छू लीजिए। आज के प्रसाद का इंतजाम इनकी ओर से है, क्या है? केला, सबके लिए केला। वाह, इतना बड़ा मेला और बटेगा केला, और भीड़ है गुरु चेला, कोई नहीं रहेगा अकेला, सबका मिटेगा झमेला। दोनों लोग बता रहे थे जब गाड़ी में चलते हैं तो आपका प्रवचन 6-6 घंटे तक सुनते रहते हैं, बड़ा आनंद आ जाता है, ऐसा बता रहे थे। बोले दर्शन तो पहली बार किया हूँ, फायदा बहुत दिन से उठा रहा है, और जी भी खरीद लिया। ये जो लोग चाहते हैं 100 घंटे का प्रवचन एक साथ मिले, नया नया प्रवचन, नए अंदाज का प्रवचन, चुनांदा प्रवचन, यहाँ पर साहित्य का सेंटर है, वहाँ से 100-150 घंटे के प्रवचन की जीबी, इसको बोलते हैं मेमोरी कार्ड, बोलते हैं पेन ड्राइव, वो मिलता है, सब लोग खरीद लेना, बहुत सीमित मात्रा में आया है, पूरी दुकान खरीद लो और फिर अपने मोहल्ले में बेचो जाकर किताबें भी ले लो, उनको पढ़ो जाकर, रिश्तेदारों को बांटो, उनको सुधारो जाकर, और गुरु जी के तस्वीर को अपने घर लगाओ तो घर के भूत प्रेत सब निकल कर बाहर हो जाएंगे, घर की माताएं बहनें देवी रूप हो जाएंगी,
सबके घर में कोई महान गुरु का चित्र लगना चाहिए, माता पिता का चित्र लगना चाहिए। ये गधे घोड़े हीरो हीरोइन के चित्र नहीं लगने चाहिए, महान पुरुषों का चित्र लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आ गया। युक्ताहार विहारस युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कृष्ण कहते हैं जिनके कर्मों की चेष्टा यथा योग्य है, जो यथा योग्य कर्म करते हैं, जो अपने कर्म से कभी विचलित नहीं होते हैं, कर्तव्य को छोड़ते नहीं। एक कर्मचारी किसी सेठ के यहां काम कर रहा था, बड़ी मीठी कथा है, ध्यान देना। तो कभी कभी वो छुट्टी लगा देता था कर्मचारी बिना पूछे हुए, तो सेठ ने सोचा शायद वेतन कम हो इसलिए छुट्टी लगा देता है। 10,000 महीना देता था तो सेठ ने बढ़ाकर 12,000 महीना कर दिया, और कर्मचारी को बुलाया और कहा कि तेरा वेतन अब 2,000 महीना बढ़ा दिया हूँ, 12,000 हो गया। तो कर्मचारी खुश नहीं हुआ, जैसा का तैसा, धन्यवाद ठीक। फिर एक महीने के बाद उस कर्मचारी ने छुट्टी मार दी 5-6 दिन की। सेठ जी नाराज हो गए, बोले बिना बताए छुट्टी मार देता है। कर्मचारी जब आया 5-6 दिन के बाद, सेठ ने कहा तेरा वेतन 2,000 मैंने घटा दिया है, क्योंकि तू बिना बताए छुट्टी ले लेता है, मनमानी करता है। तो उस नौकर ने कुछ नहीं कहा कर्मचारी का, ठीक है। अगले दिन सेठ जी ने फिर बुलाया, कहा कि तेरा वेतन 2,000 बढ़ाया तो तू खुश नहीं हुआ, और 2,000 घटाया तो दुखी नहीं हुआ, बात क्या है? उसने कहा मैं स्थित प्रज्ञ हो गया। बोले स्थित प्रज्ञ क्या होता है? बोले आत्म ज्ञान हो गया। बोले ये क्या होता है? बोले बात असली ये है, जब मैंने पहली बार छुट्टी मारी थी, 10 दिन नहीं आया था बिना बताए, तो उस दिन हमारे बेटे का जन्म हुआ था, और 10 दिन बाद जब आया तो आपने 2,000 वेतन बढ़ा दिया था, तो मैं समझ गया था कि हमारे घर में एक सदस्य बढ़ा है इसलिए वेतन बढ़ा है, ये मेरे लिए नहीं बढ़ा है, ये बेटा बढ़ा है इसलिए बढ़ा है, तो मुझे कोई खुशी नहीं थी। और दोबारा जब मैंने छुट्टी मार दी 10 दिन की, और 10 दिन बाद आया, एक महीने बाद फिर छुट्टी ले ली और बताया नहीं, आपने गुस्सा में 2,000 वेतन कम कर दिया, जो बढ़ाया था घटा दिया, तो मुझे दुख इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई थी इसलिए मैंने छुट्टी मार दी थी, तो बूढ़ी माँ मेरी चली गई, आपने 2,000 घटा दिया, तो मेरी माँ का हिस्सा आपने घटाया है, मेरा ना कुछ घटा है ना बढ़ा है, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। हर परिस्थिति में अपने को खुश रखने की कला सीखी। कभी घाटा हो जाए तो भी खुश रहो, कभी मुनाफा हो जाए तो भी खुश रहो। खुश रहने का अभ्यास कीजिए। आज इस सभा में आई हुई प्रदीप कुमार सविता उपाध्याय उपाध्यक्ष पूरे परिवार इटावा से आए हैं, खड़े हो जाएं, उनको व्यास का दी धन्यवाद दे रही है। कहाँ हैं? जल्दी खड़े हों। बनारस से विनोद कुमार यादव जी निवासी सैफई इटावा आए हैं, विनोद जी खड़े हो जाओ, उनको भी व्यासगादी धन्यवाद दे रहे। जालौन से विजय सक्सेना जी आए हैं, उनको भी व्यासगादी धन्यवाद दे रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद, ताली बजा दो सबके। आज तो बहुत आनंद आ गया है, एक दिन का सत्संग और शेष बचा है। देखिए 3 दिन का प्रोग्राम था, कल ऐसे लग रहा था बहुत लंबा कार्यक्रम है, सब विराजमान हो जाए, हमारे संत जी इधर बैठ जाए, जो कोई पर्ची लाए तो संत जी ले लेना। बहुत से लोग दान डिब्बों में दान डाल रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के आश्रम में गौशाला है, जिसमें लूली लंगड़ी बूढ़ी कमजोर गायें लोग छोड़ जाते हैं। श्री चवन ब्रांड के जीवन में जरूरत के वृहद उत्पादों की श्रृंखला के साथ संपूर्ण उत्पाद आटा पोहा चाय पत्ती
बिस्किट, रस्क, नमकीन मसाले इत्यादि उत्पादों के साथ साथ आयुर्वेद के बेहतरीन उत्पाद भी, जिसमें कमर दर्द, घुटना दर्द, जोड़ों के दर्द, शुगर, बीपी, मोटापा इत्यादि विभिन्न रोगों की औषधियाँ भी हैं। इन सारे उत्पादों का अपने जिले में सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप व तहसील डिस्ट्रीब्यूटरशिप या अपने गांव के स्वदेशी केंद्र के लिए आज ही संपर्क करें 9516264444 पर या 07745999 पर। श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र। श्री च्यवन आयुर्वेद पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके, इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री च्यवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री च्यवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7714599999, 7716755555। श्री च्यवन आयुर्वेद। ये जो पूरी एक गौशाला बनाई है, तो हमारे जितनी संभव पॉसिबिलिटीज है वो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और आपका अगर थोड़ा सहयोग होता है तो हम यहाँ पे एक बड़ी टीन सेट का भी निर्माण करेंगे और ज्यादा से ज्यादा और भी जो गौवंश इधर उधर जिन लोगों ने छोड़ दिया है, तो ये छोड़े हुए गाय हैं आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जो काफी कुछ तो ये वीक है, बहुत कमजोर बछड़े भी हैं, मतलब इनको बस इनका दूध का काम हुआ तो इनको छोड़ दिया जाता है। और हम यारा ये प्रयास है कि हम इनको जिस तरीके से हो सके अपनी देखरेख में इनको सेवा सुरक्षा जो भी समय संभव पॉसिबल है वो करें। तो मेरी आप सबसे आग्रह था कि आप हमारे इस अभियान से जुड़े और हमारे ये गौ सेवा प्रकल्प को आगे बढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा। जो भी इच्छा है आपकी, आप चाहे चारा व्यवस्था में, टीन सेट के निर्माण में या इनके लिए जो भी आपकी इच्छा सहयोग हो सके, आप जरूर गुरुदेव जी के सानिध्य में चल रहे इस आश्रम में आप जरूर जुड़े और जरूर आपका सहयोग हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर भारत का उत्थान करें, गौ पालक बन बने विधाता, भू पर स्वर्ण विहान करें। राष्ट्रीय संत पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव जी के गौ सेवा संकल्पों को साकार करने में आप सब सहयोग करें और गौ सेवक बने। एक गौ माता की सेवा राशि, मासिक सेवा राशि 1100 रुपये, 6 मासिक सेवा राशि 5100 रुपये, वार्षिक सेवा राशि 11000 रुपये। आप अपनी सेवा राशि भेजने के लिए इन नंबरों से संपर्क करें 9516261111, 9516262222 या हमारे ट्रस्ट के अकाउंट में भी आप सब अपनी सहयोग भेज सकते हैं। पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी द्वारा सुनाए गए प्रवचन, भजन और सत्संग का निरंतर लाभ लेने के लिए आप सब गुरुदेव जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जय असंग, जय असंग, जय असंग देवा, मान कितनी विनित है मोल मधुर मेवा, कंचन समनवल गात श्वेत वस्त्रधारी, कंचन समनवल गात श्वेत वस्त्रधारी, वाम जयी क्रोध जयी पूर्ण ब्रह्मचारी, भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा, वाणी कितनी विनित है बोल मधुर मेवा। जय जय।
असंग जय असंग जय असंग देवा पान कितने